हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और हॉर्मोन्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बिना किसी देरी के आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे बटन दबा सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज कर रहे हैं डिस्कस, इसके बाद आने वाले वीडियोस में और क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका एड्रेनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ सेविंग हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है एड्रेनल, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड, ऑल ऑफ देम। तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और आंसर कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको, एड्रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा जो ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी सिक्रेटेड बाय। ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन है, 2017 में आए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपने देखे होंगे ये सारे क्वेश्चन। इसका आंसर है आपका थायराइड। ठीक है, द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रीट बाइल? बाइल कौन सिक्रीट करता है? तो बाइल जो है वो लिवर सिक्रीट करता है। ठीक है, और ये किस में स्टोर होता है, जाके आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको बता देती हूँ, पॉज करके आंसर कर सकते हैं, और फिलहाल मैं आपको बता ही देती हूँ, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन बताइए इसमें से। तो जो एस्ट्रोजन है वो फॉलिकल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर इज फॉलिकल। फॉलिकल्स क्या होते हैं? तो ओवरी में, फीमेल जो ओवरी होती है उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल बहुत सारे, मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, और हर फॉलिकल में एक इमेच्योर एग होता है। इमेच्योर एग, जब वो एग मेच्योर हो जाता है तो ये फॉलिकल बस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन। का फंक्शन नहीं है इंसुलिन, का फंक्शन है ब्लड के, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज बनाता नहीं है, कंट्रोल करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो इसलिए, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर होगा आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। वैसे इंसुलिन का जो वर्क है वो मैंने आपको बताया, इससे कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द गिवन हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ह्यूमन बॉडी? इनमें से कौन सा है जो कि ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा हार्मोन है? तो पैराथायरॉइड हार्मोन जो होते हैं, ये आपका ब्लड में जो कैल्शियम और हार्मोन है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये 2021 में आया हुआ है, इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन। ऐसा कौन सा जो इरेथ्रोइन हार्मोन है जो कि आरबीसी बनाता है, ये इनमें से किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ठीक है, तो हमारे किडनी में एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, ये बाहर वाला, और अंदर मेडुलर रीजन होता है। तो यहाँ पर हमारी न्यूरॉन्स पाई जाती है, नेफ्रॉन्स पाई जाती है, न्यूरॉन्स कह रहे हैं, नेफ्रॉन्स। उनका जो लंबा सा हेल्ले लूप जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, जो कि मेडुलरी रीजन में पाया जाता है। ये मेडुलरी रीजन है, ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, तो ये लंबा सा जो पाया जाता है आपका हेल्ले लूप, इसी को हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स ऑफ द किडनी। ठीक है, और इसका आंसर आपका यही है, जक्स्टा मेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। तो इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी का जो फंक्शन करता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है या कहाँ पर होता है? जक्स्टा मेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपका टाइम कम लगे इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी डिस्कशन में अपने वीडियोज में करती हूँ, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।